हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और सच्चा और रिलायबल, जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऐप लेके आया हूँ। आज सुबह की बात है, आज सुबह जब मैं शॉप पे गया तो एक कस्टमर ने मुझसे पूछा कि भैया कोई ऐसा ऐप बताइए जो जिससे कि मैं बार को स्कैन करके कोई किसी भी चीज़ की डिटेल्स निकाल सकूँ। तो मैंने उनको सजेस्ट किया ये वाला ऐप। हाँ, तो मैं एक बात बोलना तो भूल ही गया, वैसे मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी चाहिए और ना ही मैं लंबी वीडियोस बनाता हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि मेरे कस्टमर तक, मेरे व्यूअर्स तक सच्ची नॉलेज, सच्ची इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए और टाइम भी कम लगे। तो मैं ऐसी ही वीडियो लेके आता हूँ आप सभी के लिए। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए हमेशा अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। चलो चलते हैं। तो चलो दोस्तों, आपको बताता हूँ कि वो ऐप कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाते ही आपको सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे मैं डालूँगा वैसे ही आपको भी सेम टू सेम डालना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे QR बारकोड स्कैनर डालने के बाद इस पर सर्च करेंगे। अब जैसे मेरे उसमें डाउनलोड है तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके उसमें इंस्टॉल का आएगा, ये तो आप जानते ही हो। तो मैं आता हूँ होम से बाहर, अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट ऐप पे। तो जैसे मैंने ऐप ओपन किया तो ओपन होते ही इसका स्कैनर ऑन हो जाता है। अब मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि ये डॉक्यूमेंट पे या फूड प्रोडक्ट पे या कोई भी डॉक्यूमेंट हो गवर्नमेंट रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बाकी ये सबको स्कैन कर लेता है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, बैग आता हूँ, ये क्या आ गया। सबसे पहले आप लोगों के लिए ले आता हूँ एक साबुन पे बने बारकोड को। जैसे इसने इसको स्कैन किया और हम गए वेब सर्च पे, इसके बाद वेब सर्च पे क्लिक किया, ठीक है सर। वेब पेज पे सर्च करने के बाद ये उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे कि मेरे पास ये साबुन है गोदरेज का, तो इसने पूरी डिटेल उसकी दे दी है, कब बना है, क्या बना है, उसके बारे में सब कुछ इसने इस पे दे दिया है। अब मैं कोई दूसरी चीज़ लेना चाहता हूँ, सपोज़ अब मैं लूँगा जियो का स्टिकर था मेरे पास, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट रिलेटेड इस पर दिखा सकता हूँ। तो मैंने इसको सर्च किया, ध्यान रहे कि ब्लर ना हो, अगर ब्लर होगा तो ज़्यादा क्लियर रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, इसलिए ध्यान रहे कि क्लियरली आप उसको पहले स्कैन कर लें। अब ये देखिए सर, जैसे कि यहाँ पे जियो लिखा हुआ है नीचे, तो रिलायंस जियो के बारे में इसने सब कुछ बता दिया है, ये कहाँ है, क्या है, जो भी इसके बारे में डिटेल्स वो दे सकता था आपको, उसने आपको डिटेल्स दे दिए। तो अब हम सर्च करेंगे, मेरे पास ओप्पो का फ़ोन है तो मैं ओप्पो के फ़ोन को स्कैन करूँगा, ये वाला बारकोड स्कैन करता हूँ। अब इस पर वेब सर्च पे जाना है, वेब सर्च पे क्लिक किया, फिर से ये गूगल पे ले गया और इसने ओप्पो ये देखे A5S का और इसकी पूरी डिटेल्स इसने यहाँ पे दे दी है, ठीक है, ये कब पैक हुआ, कब क्या हुआ, सब सारी डिटेल्स इसमें आ गई है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये ऐप सबसे बढ़िया ऐप है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ये एक ऐप फ़ोन में रखना ही चाहिए, ताकि हम बारकोड से पता लगा सकें कौन सी चीज़ कब बनी थी और कैसे बनी थी और बहुत कुछ जो आपके दिमाग में आता है कि बारकोड से क्या किया जाए। एक और दूंगा आपको, मैगी पे बने हुए बारकोड, इस पर थोड़ा टफ हो रहा है मुझे, हाँ ये चले हम मैगी की तरफ, और इसने स्कैन किया, वेब सर्च किया और ये ले गया हमें इसकी डिटेल्स की तरफ। ये देखो मैगी नूडल्स ओपन फूड फैक्ट्री, जैसे इसमें गए तो ये इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये बारकोड स्कैनर? आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है, आपको बिल्कुल वैसे ही टाइप करके इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखना चाहिए।
तो दोस्तों जैसे उन भाई साहब को प्रॉब्लम हुई थी, जिन्होंने मुझसे पूछा कि भैया मुझे कोई बार कोड स्कैनर वगैरह कोई बताइए जो सबसे मतलब ट्रस्टवर्थी हो या फिर रिलायबल हम जिसे बोलते हैं वो हो, तो वो मुझे बताइए। आजकल तो बहुत सारे फेक ऐप आते हैं, तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया। तो आप भी, आपको ज़रूरत है, आप ढूंढ रहे हो बार कोड के लिए, तो आपको भी यही अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना चाहिए। थैंक यू।